नमस्ते, अपनी इस वीडियो में श्रापित द्वारिका के बारे में बात करूंगी। द्वारिका श्रापित थी या कृष्ण ही चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद द्वारिका भी नष्ट हो जाए? कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण मायापति थे, द्वारिका माया नगरी थी। जब मायापति नहीं रहेंगे तो माया नगरी कैसे रहेगी? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। बात है महाभारत के युद्ध के बाद की, जब कृष्ण समेत पांडु हस्तिनापुर पहुँचे। यह सूचना व्यास शिष्य संजय ने गांधारी को दी कि कृष्ण समेत पांडु, द्रौपदी सभी हस्तिनापुर आ रहे हैं। यह सुनकर गांधारी को बहुत जलन हुई। कृष्ण ने आकर जैसे ही गांधारी को प्रणाम किया, गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने हमारे पुत्रों को आपस में लड़वा के हमारा नाश कर दिया, उसी तरह तुम्हारे पुत्र भी आपस में लड़के तुम्हारा नाश कर देंगे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बुआ, मुझे आपके इसी आशीर्वाद का कब से इंतज़ार था। कृष्ण की ऐसी बात सुनकर गांधारी अचंभित हो गई। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवा कृष्ण द्वारिका चले गए। द्वारिका में कृष्ण के पुत्र श्याम ने एक दिन मदिरा पीकर स्त्री भेष में तपस्या करते हुए ऋषि के सामने पहुंचकर बोले, ऋषिवर बताइए, हमारी कोख से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम्हारी कोख से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। इस तरह से द्वारिका में दो दो श्राप लगे थे, एक श्याम की वजह से और एक कृष्ण की वजह से। द्वारिका में अब अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी भी बरसात हो जाती, कभी भी तूफान आ जाता, कभी तेज आग लग जाती कहीं पर और सब कुछ नष्ट हो जाता। अशुभ पक्षियों की आवाज़ें द्वारिका में पूरा दिन गूंजती। शुभ पक्षी द्वारिका में कहीं दिखाई नहीं देते, जैसे मोर, नीलकंठ, सारस, और ना ही इनके स्वर सुनाई देते। ऐसी स्थिति देख कृष्ण समझ गए थे कि अब द्वारिका पर गांधारी और ऋषियों का श्राप प्रभावी होने वाला है, शीघ्र ही द्वारिका नष्ट होने वाली है। यह बात उन्होंने बलराम से बताई। बलराम को भी दुख हुआ। तभी कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम इंद्रप्रस्थ जाओ और अर्जुन को तुरंत द्वारिका ले आओ, कहना कि उन्हें कृष्ण ने याद किया है। कृष्ण की बात सुनकर कृष्ण का सारथी दारुक हस्तिनापुर चला गया। इधर कृष्ण और बलराम समुद्र के किनारे भ्रमण करने निकले, तभी उन्होंने देखा कि उनके सभी पुत्र किसी बात पर दो गुटों में बट के आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कृतवर्मा सातकी में भीषण युद्ध हो रहा है, जिसे प्रद्युम्न बीच बचाव करने में लगे हैं। कृष्ण वहां पर जाते जाते तब तक कृतवर्मा और सातकी ने समुद्र से घास उखाड़ ली। वह घास सातकी और कृतवर्मा के हाथ में आते ही मूसल बन गई। वह दोनों एक दूसरे पर झपटे। सातकी ने कृतवर्मा को मार दिया। मूसल इतना शक्तिशाली था कि एक ही मूसल से किसी के प्राण जा सकते थे। कृष्ण के सामने, कृष्ण के देखते देखते उनके कई प्रिय पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनमें से सातकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अरिगद थे। कृष्ण ने यह देखा तो वह बहुत दुखी हो गए। यह देखकर बलराम बहुत बेचैन हुए और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उसी व्याकुलता में बलराम के मुंह से एक सर्प निकला और वह समुद्र में जा घुसा। यह देखकर कृष्ण हैरान रह गए। बलराम ने उसी व्याकुलता में अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण वहां से आगे बढ़े और अपने पुत्रों के पास गए। उन्होंने देखा कि उनके और पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें अरिगद भी था, जो कृष्ण का बहुत प्रिय पुत्र था। अरिगद, चरोदिशी जैसे प्रिय पुत्रों की मृत्यु से कृष्ण बड़े व्याकुल हुए। वह द्वारिका महल पहुंचकर अपने पिता वासुदेव को यह सूचना दी। तभी वासुदेव के हृदय में बड़ी बेचैनी हुई। यह सुनकर बुजुर्ग हृदय यह बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह तुरंत ही व्याकुलता में धरती पर गिरे और क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। वासुदेव की मृत्यु के बाद कृष्ण की चार माताएं देवकी, रोहिणी, मंदिरा, भद्रा
वासुदेव के मृत शरीर के साथ सती हो गई। यह देखकर कृष्ण की दुख की सीमा न रही। वह भी अपने पुत्रों को मरा हुआ देख इधर अपनी चारों माताओं समेत पिता की चिता को अग्नि देकर कृष्ण के हृदय में बहुत बेचैनी उत्पन्न हुई। वह अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर वह लेट गए। वहीं एक शिकारी शिकार पर निकला था। उसे कृष्ण के पैर दिखे। उसे लगा कोई शिकार है। उसने निशाना तेज लगाया। शिकारी का बाण जाकर कृष्ण को लगा। कृष्ण के मुंह से आह निकली तो शिकारी दौड़ पड़ा कि यह तो बाण कोई मनुष्य के जा लगा। वह कृष्ण के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। तभी कृष्ण ने कहा, द्वारिका महल जाकर अर्जुन से कहो कि मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ और उन्हें यहाँ ले आओ। शिकारी भागता हुआ द्वारिका महल गया, जहाँ अर्जुन और दारुक पहले से ही मौजूद थे। वह कृष्ण के पास आए। कृष्ण को ऐसी अवस्था में देख अर्जुन रोने लगे। कृष्ण ने कहा, पार्थ, मृत्यु ही तो अटल सत्य है, सबको आती है, रो मत। मेरी मृत्यु के बाद द्वारिका वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाना। अर्जुन को इतना कहते कहते कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण का अंतिम संस्कार कर द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ की तरफ चल पड़े। अर्जुन द्वारिका वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ जैसे ही बढ़ने लगे, समुद्र पार ही किया था कि द्वारिका समुद्र में टूट टूट कर समाने लगी थी। यह देखकर अर्जुन अचंभित थे कि कृष्ण की मृत्यु होते ही द्वारिका कैसे नष्ट होने लगी। रात्रि विश्राम के समय अर्जुन और द्वारिका वासियों पर भील जंगली जाति का आक्रमण हुआ। वह छापा मार युद्ध में बहुत निपुण थे, जिससे अर्जुन द्वारिका वासियों को बचा नहीं सके। द्वारिका वासियों का बहुत नुकसान हुआ। छापा मार युद्ध के बाद जो कुछ बचे द्वारिका वासी थे, उन्हें लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ चले गए। जहां द्वापर में इंद्रप्रस्थ था, वहां हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली आज दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म हुई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।